जंगल तीन कोनिया नंबर तीन में विभिन्न विभागों की तरफ से स्टालों के माध्यम से लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विद्यापीठ का निरीक्षण किया। बच्चों को मिठाई व अन्य उपहार दिए। इसके बाद वनचांगिया राम गणेश के घर पहुंचे। घर के बाहर सजाई रंगोली के बीच दीप प्रज्वलित कर समूचे गाँव वासियों के लिए दीपोत्सव का शुभारम्भ किया। बच्चे पढ़ रहे हैं सभी बच्चे। कौन क्लास में? अब तो यहाँ स्कूल खुल ही गया है, खुल गया ना। बैठ जाओ, उधर से उधर जाइए। बलराम राजा मुखिया वनटांगिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये छठवीं बार हो गया जो हर्षोल्लास से आगे दीपावली मनाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को मिठाई बांटते हैं, पूरे जन सैलाब उमड़ जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इनकी दुआ से तो हम लोग को 100 साल में राम राजा स्थापित हुआ, जो कि घर द्वार सबके बिजली पानी स्कूल पेंशन सब कुछ हो गया है, कुछ कमी नहीं। उनके आने से हम लोग को और फायदा ही होता है, वो भी दीपावली के मुख्य अवसर पर, जो 2017 में दीपावली के ही दिन हम लोगों को अधिकार पत्र मिला था, जो महाराज जी की देन है। आप घर में जलपान भी करते हैं क्या? जी हाँ, जलपान कराते हैं, जलपान करते हैं, जैसे मतलब और खीर भी खाते हैं और पानी में काजू किशमिश और जलपान ही होता है, और कुछ नहीं। बात भी करते हैं तो क्या करते हैं? बात की हाल चाल पूरे लेते हैं, फिर गाँव के लेते हैं कि देखो कहीं कोई भी दिक्कत न होने पर, कोई समस्या हो तुरंत हमसे बात करो।